अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी कारी फिटिंग हो गई माशाल्लाह पीछे से कंप्लीट। अच्छा, जेक के पाइप लगा दिए हैं, जेनियन पाइप हैं 510 के, देख दोनों पाइप ना जेनियन पाइप हैं इंशाल्लाह इनकी। एक तो ये बराबर होते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ होती है, काफ़ी अरसे तक ये ना चलते रहते हैं बिल्कुल। और ब्रेक का ड्रम वगैरह ये लगा दिया है, सही है, ये छोटा भी साथ लगा दिया, ये जनाब इसके गोडे लगा दिए हैं, मशीन है दोनों, चेक करें, और चालू हैं दोनों, ऐसे नहीं कि खूबसूरती के लिए नहीं, चालू हैं दोनों। अच्छा, दूसरे जनाब ये पाइप लगा दिए, सही हो गया। ये पाइप ना अभी लंबे पाइप नहीं आए हैं, और दो वो लाने हैं, वो भी नहीं आए और लंबे पाइप ही नहीं आए। ये पीछे वाले मिले हैं फुडिशन, उस 94 की लगाई है, ठीक है। तो इस तरह से ना काम माशाल्लाह हो गया। ये नीचे इसका जनाब ना ये चीज़ लगा दी है, सही है, इसका फ़ायदा है, जैसे वो ऑटोमेटिक कर रहा था ना 94, बिल्कुल, तो इसी तरह से जिस जगह पे रख के इसको टाइट करोगे ऊपर नीचे नहीं ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, और उसी जगह पर ही काम करेगा। इसको ऐसे ही टच करना है, आगे जितना आगे वीडियो के चक्कर में ना ऑयल जैक का निकाल बैठे हैं कि लॉक को ऊपर किया है और लिंकें गई हैं नीचे, ऑयल थोड़ा सा निकल गया है। तो बाकी कपड़े वगैरह और आरिफ का आरिफ बच गया है। अच्छा चलो माशाल्लाह, ये जनाब ब्रेक ड्रम पहले दिखाए थे, बोस्टर दिखाया था, ये सारा कुछ ना अभी फिट है, अभी इसको करना है अस्तर, ठीक है, और असम्बली के पाइप वगैरह लगाने हैं। दूसरी जो असम्बली लाए हैं ना उसकी फुडिशन नहीं है नीचे वाली, अभी वो मैच नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही कि वो नहीं लग रही है, फिर पाइप का नुकसान होगा, उसकी फुडिशन होगी, फुडिशन के ऊपर वो लगेगा, सेटअप उसका बनेगा। वो थोड़ा सा अभी ना पेंडिंग में है, हाँ उसका सामान आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको फिट कर लेंगे। इसकी टैंकी लगा दी है ऊपर जनाब डीजल के लिए, ये हीट के लिए काम देती है, हैं, और बोस्टर वाला पाइप वगैरह इंशाल्लाह इसको सजाना है ज़बरदस्त बेहतरीन करके, क्योंकि आखिरी है, पहला भी यही था और आखिरी भी, यही है, तो इसलिए। और काफ़ी भाई आरिफ नंबर मांग रहे होते हैं, नंबर हम नहीं दे सकते, सबको कहते हैं कि मैसेंजर पे आ जाओ, फेसबुक का मैसेंजर, वरना कमेंट करो। तो तकरीबन ये लोगों की एक सोच होती है कि हमने ट्रैक्टर या तो खरीदना है या सेल करना है, ना तकरीबन हम इस दोनों चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ना खरीद ना समझो कि सेल, खरीदो फरोख्त के चक्कर में नहीं जाते, ठीक हो गया। हाँ कोई मैकेनिकल का काम है तो बता दें, लिख दें नीचे कि भाई हमें ये काम है। वैसे ट्रैक्टरों की हमने अभी छुट्टी की है, ये आखिरी ट्रैक्टर है। और फेसबुक पर तो एक कमेंट था कि गरीब पहले से लुटे हुए हैं, मजीद ना लुटे, क्या ख्याल है? तो कोई मसला नहीं है, हमने काम पहले यही कुछ करना था, ये नहीं है कि कोई लोगों की वजह है या कुछ है, तो हमने सिर्फ दिखाना था यूट्यूब पर, बाकी हमारा कोई समझो कि मकसद नहीं था गरीबों को लूटने का या पैसा बनाने का, कोई चक्कर नहीं था, ये हमें शौक है। उस शौक के लिए अगर कोई ऐसा रंग उतार के दिखाए तो हमें फोटो भेजना, कोई इतने आइटम लगा के दिखाए तो फिर भी फोटो भेजना, क्योंकि लोग नहीं लगाते हैं, और मिस्त्रियों के पास एक दो दिन के लिए ट्रैक्टर आता है, हमारे पास तो छह माह तक आते हैं, और इनकी कापी इसकी मेरे पास है, उसकी कापी मेरे पास है, मेरा अपना है तो उसकी कापी भी मेरे पास है, कोई मसला नहीं, ये ऐसे समझो मेरे अपने हैं, ऐसे नहीं है कि कोई गैर लोगों के, यकीन करो हम अपने की तरह बनाते हैं, और समझ लो कि हमारे अपने हैं। इतना एतमाद किसी मिस्त्री के ऊपर किसी का ही नहीं होगा कि वो ट्रैक्टर ही उठाए, कॉपी उठाए, जाके अगले बंदे को दे, भाई तू सेट कर, क्या ख्याल है? नहीं होता है। तो इंशाल्लाह हमने थोड़ा सा अरसा करना था, और ये ट्रैक्टर जो बनाए हैं माशाल्लाह अच्छे बने हैं, और कोई बंदा भी ट्रैक्टर जो बनाए हैं नाराज हो, हम वापस कर सकते हैं, जितने पैसे में बने हैं
उन्होंने चलाए भी हैं, फिर भी हम उसी कीमत में रखने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ये भी बना के दिया था, जितनी कीमत में बना के दिया था उतनी कीमत में फिर हमने खरीद के और बंदे को दिया है, तो माशाल्लाह आप अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये ब्रेकिंग वगैरह और ईरानी के सारे सिस्टम इसमें लगा के ना, ताकि एक अच्छा ट्रैक्टर बन जाए माशाल्लाह। और ये शौक की वजह, और कोई मैसी फीएट ट्रैक्टर को हम नहीं जानते हैं, ना उस पर बात करते हैं ना उसकी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि ना हमें शौक है और ना हमें पता है। सीधी सी बात है, ना हमने कोई मार्केट में जाके ये काम किए हैं, ये हमें शौक था, शौक की वजह से बस ये काम कर रहे हैं, वरना इतना शौक कोई नहीं लगाता है। किसी जगह पर देखो अभी मजीद सफाई होनी है, उतारना है, लेकिन फिर भी देख लो कि देख का क्या हाल किया है, लोहे का क्या हाल किया है, आपको खुद ही महसूस होगा कि ये एक शौक है, जनून है, वरना वैसे कोई नहीं करता है। मजदूरी के लिए लाखों काम है और बंदा कर सकता है, क्या ख्याल है? पैसा कमाते हैं। हाँ, तो फेसबुक पे हम वीडियो नहीं लगाते हैं, बस कभी कोई एक दो वीडियो लगा देते हैं। पेज तो बनाया था, लेकिन लोग नखरा बड़ा दिखाते हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि फेसबुक का पैकेज ही सस्ता है। हर बंदे के पास अगर है ना मोबाइल, तो फेसबुक जरूरी है। उनका मकसद है या नहीं है ना, उन्होंने कमेंट कर देना है, क्या ख्याल है? उनका मकसद नहीं होता है। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जो मुसलसल वीडियो लगती है, भाई देखते हैं, मजा लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से ना फेसबुक हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, सही है ना? तो इसलिए हमने उसके ऊपर शेयरिंग छोड़ दी है, नहीं करते हैं, बस एक दो वीडियो अपलोड की है और कोई ज्यादा नहीं करनी थी। वैसे अगर आपको बुरा लगे तो वो भी नहीं करेंगे, हटा लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ जनाब काम है माशाल्लाह, आगे देखते हैं। इसका ईरानी का चक्का कल और कल अगला सिस्टम इसका बहाल करना है, रेडिएटर कूलर इसका लगाना है, कूलर 95 मॉडल का है वो लगाना है। अभी तक ये पाइप नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे पाइप को जोड़ होता है, ईरानी वाले पाइप फिर वही पीछे जाते हैं, तो जेन्युइन कनेक्शन खूबसूरत लगता है। अगर यहाँ से कोई अल्टरेशन करे ना, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके अपने पाइप टी यहाँ पे टी भी होगी, और यहाँ से कनेक्शन पीछे भी जाएगा, यहाँ से आगे ले जाओ कोई मसला नहीं, पीछे वहीं पे खोल दो फिर भी कोई मसला नहीं। ये कुछ जनाब काम है, तो मज़ीद आगे आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट। अल्लाह।